हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय अवध स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है ये 10th फिजिक्स का 8th लेक्चर रहने वाला है। आज की क्लास में हम स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ एक बेसिक टर्म्स को उसके बारे में। आज से पहले के जितने भी लेक्चर्स आए हैं उनकी अगर आपकी क्लासेज छूट गई हैं तो उनके लिंक जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा होगा वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंस है, फर्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्या आएगा कि लेंस क्या है। पहले हमें ये बात पता हो तभी तो हम स्फेरिकल लेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। बाउंड बाय ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो बाउंड है हमारा किससे, एक कर्व्ड सरफेस से। एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस जो है उसके अंदर होगी। और दूसरी जो मेन चीज हमारे पास कि ट्रांसपेरेंट क्या है और इसमें रिफ्रैक्टिंग क्या है। रिफ्रैक्टिंग का क्या मतलब था हमारा कि लाइट जो है वो बैंड होगी। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लेंगे आप, लाइट जो है इसमें बैंड होगी। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, ये ट्रांसपेरेंट, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो हमारी लाइट है वो क्या करेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी या क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये कैसा हमारा रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, जो कि एक तरफ से जो हमारा वो कर्व्ड है और दूसरी तरफ भी कर्व्ड हो सकता है या नहीं है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वन सरफेस जो उसकी वन साइड जो है उसकी वो कैसी होगी, हमारी कर्व्ड होगी, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। ठीक है, इसके जो कुछ एक वही बात है ना कि कुछ एक डायग्राम या इसके कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है, दोनों तरफ से कर्व्ड हो सकता है, एक तरफ से एटलीस्ट वन साइडेड कर्व्ड। अब वो कर्व किस तरफ है उस चीज के बारे में भी आप आगे देखेंगे। कर्व का मतलब कर्व है वो चाहे इस तरफ से करो है या फिर ऐसे करो है, करो तो ये भी है और करो ये भी है, तो ये दोनों चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये लेंस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो लेंस हैं अलग अलग तरह से, एक बार करो अंदर की तरफ, एक बार करो बाहर की तरफ है, तो वो चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेंस क्या था। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा उस पर आते हैं और देखते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज क्या हैं। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे तो वहां पर क्या पढ़ा था हमने, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर। तो वहां हमारा कॉनकेव मिरर कैसा था, वो कन्वर्जिंग था, और कॉनवेक्स जो मिरर था हमारा वो क्या था, डाइवर्जिंग मिरर था। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि कुछ ना कुछ है तो वैसे ही टर्म स्फेरिकल, यहाँ लेंस आ गया, वहां हमारा मिरर था। तो मिरर में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो मिरर था उसमें एक साइड जो उसकी पॉलिश थी वहां पर आकर के लाइट इंसिडेंट कर रही थी, वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्ट करेगी, वो उसके बीच से क्रॉस तो करेगी, उसमें से ट्रेवल करेगी, लेकिन उसमें जो है वो कोई बेंडिंग आएगी, बेंडिंग मोमेंट जो है वो शो करेगी, उस चीज को हम क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्शन होगा वहां पर। तो वैसी चीज आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो थिंग है, फर्स्ट जो इसका केस है वो क्या हमारा, कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स लेंस। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जांपल है, फर्स्ट जो टर्म हमारी स्फेरिकल लेंस की वो क्या है हमारा, कॉनवेक्स लेंस। तो कॉनवेक्स जो मिरर था हमारा वो कैसा था, उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो उभरा हुआ हिस्सा था वो बाहर की तरफ था, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हमारा। तो वैसे ही ये जो बाहर इसका उभरा हुआ जो हिस्सा है, जो हमारी चम्मच जो स्पून हम बात कर रहे थे उसमें एग्जाम्पल लेने की, तो वो जो उसकी जो उभरा हुआ हिस्सा होता है हमारा वो बाहर की तरफ रहेगा, दोनों तरफ से या एक तरफ से, कर्व्ड सरफेस की बात थी ना हमारी कि वो कर्व्ड सरफेस है एक साइड से, ये हमने दोनों तरफ की ली है,
बाद में हम देखेंगे कि ऐसी भी अलग अलग टाइप होते हैं इसके, ठीक है ना। एक टाइप ये भी होता है, तो ये ऐसा भी हो, इसकी शेप हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस पर, अब जो हम यूजुअली हम पढ़ते हैं जहाँ पर भी, तो वो कैसा पढ़ते हैं हम ऐसा जो कॉन्वेक्स लेंस है हम बेसिकली वो पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ एक टर्म्स देखते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स जो लेंस है इसके जो बीच में अगर हम इसका जो यूँ कहें कि इसका पेट जो देखेंगे वो कैसा है, मिडल में से ये कैसा है हमारा, स्पेलिंग देख लेना आप, मिस्टेक हो सकती है। जो मिडल है इसकी कैसी रहेगी, थिक रहेगी, ठीक है, मिडल थिक रहेगी। और जो इसके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर कैसे रहेंगे, थिन कॉर्नर्स, ठीक है, दोनों कॉर्नर्स हमारे इसके थिन रहेंगे और इसकी मिडल जो है वो थिक रहेगी, ठीक है, ये इसकी निशानी है। दूसरी अगर हम इसमें देखें तो इसके कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे इसके बारे में है कि ये कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, ये लेंस हमारा कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। मिरर कॉन्वेक्स मिरर जो था हमारा डाइवर्जिंग था, लेकिन लेंस की जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स में तो हमारा क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे उसमें हो रहा था, यहाँ कोई भी लाइट आएगी पैरेलल, वो इस पर स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमारी कहाँ किसी पॉइंट पर जो है वो बीच में मैच मीट करेंगी एक्चुअल में, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एक टर्म्स और देखें अगर हम तो इसमें नेक्स्ट जो हम कुछ एक टर्म्स और देखें तो वो क्या होंगी, मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। अब इसमें भी वही प्रिंसिपल, एक एक्सिस होगी हमारे पास, फर्स्ट जो हम वो देख लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, ओ कोई है, ये कैसा हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब ऑप्टिकल सेंटर से मतलब क्या है, इन दोनों जो ये जो सरफेस हैं इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। अगर हम देखें जैसे हमने उसमें किया था, तो ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, ये हमने कहाँ से कट की है, ये हमारा कोई स्फेरिकल जो है वो लेंस था उसमें से कट की, इसका जो स्फीयर है वो किस तरह बनेगा, इस तरफ, और इसका जो सेंटर वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा। वही बात करें इस वाली सरफेस की, तो इसका भी कहीं कोई स्फीयर होगा और उसका जो सेंटर होगा हमारा वो इस तरफ होगा, सी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी स्फेरिक जो ये सेंटर था हमारा, ये दोनों तरफ होंगे, इसमें जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या, कोई भी जो लेंस है उसके दोनों तरफ जो हमारे सेंटर लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास जब इन तीनों सेंटर्स को जो कोई लाइन जो मैच करेगी, कोई लाइन जो इनके बीच से निकलेगी, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ये मेजरमेंट्स जो प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ ये जो लाइन जो ड्रॉ होगी, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर भी ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें वो हमारे पास क्या होगा, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो सेकंड क्या है, फर्स्ट हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, नेक्स्ट हमारा है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है हमारे पास, कुछ ऐसी होती है, ये हमारा मिडल इसकी थिन होती है, थिन मिडल, ठीक है। और जो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, वो थिक होते हैं, थिक कॉर्नर्स, ठीक है। ये हमारा कैसा है, इसमें भी वही सेम काम है, इसकी भी जो इस तरफ वाला जो हमारा ये मिरर है, ये जो लेंस है, इसका जो सेंटर है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, इसकी जो ऑप्टिकल है वो यहाँ, और इसका जो है वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वही सेम काम जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हुआ, ठीक है। ये हमारा कैसा होगा, यहाँ पर लाइट आई, यहाँ आकर के ये इसको जो है थोड़ा सा कन्वर्ज करेगी, लेकिन यहाँ से जब वो सीधा जाएगा तो यहाँ आकर के वो जो है यहाँ पर डाइवर्ज करेगी। तो जो काम कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था वो काम यहाँ पर हमारा क्या करेगा, कॉनकेव लेंस करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों, ये बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये इस हमारे कॉनकेव लेंस के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा कि कॉन्वेक्स लेंस के दौरान जब हम
इमेज की फॉर्मेशन करेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं उसके कुछ रूल्स या लॉज जो हमने उसमें कॉनकेव मिरर या कॉनवेक्स मिरर जो था उसमें पढ़े थे, वही सेम तरीके से उसमें पढ़ेंगे। तो कॉनवेक्स लेंस जो था हमारा, इसके रूल्स की अगर हम बात करें, रूल्स या लॉज जो भी कहें आप, इमेज फॉर्मेशन के लिए इसके क्या रूल्स होंगे, तो इसमें फर्स्ट जो रूल होगा वो क्या होगा, एज इट इज होगा। जैसा कि हमने पिछली जो मिरर के केस में पढ़ा था कि ये ऑप्टिकल जो इसका सेंटर होगा ओ, उसमें हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था। इसमें हमारा ऑप्टिकल जो सेंटर है ये ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो इसमें से जब देखते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट आई और वो यहाँ से निकली, तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, मान लीजिए ये यहाँ से आकर के इंसिडेंस हुई इस पर, तो सीधा बिना किसी भी डेविएशन के अनडेविएटेड जो है वो वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, बात करें इधर से कोई आई है वो यहाँ से आई, तो वो भी एज इट इज सीधी जो है वो निकल जाएगी। तो इसके बारे में फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी उस पाथ को फॉलो करते हुए वो अनडेविएटेड जाएगी। ठीक है, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसका सेकंड रूल है वो क्या कहता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलली कोई रे ऑफ लाइट आती है, या आ गई जैसे ये यहां आ गई, ठीक है, ऐसे ही नीचे से ये जब रे ऑफ लाइट आएंगी तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं किसी पॉइंट से निकलेंगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट है आप इसको अच्छे से बना लेंगे, यहां पर मैं रफली बना रहा हूं, ये जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर अगर कि मिलेंगी इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम और बात करें थर्ड, जैसे ये हमारे पास जो रे थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी हमारी, इसके पैरेलल आई कहीं किसी सोर्स से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पर आकर के मिलेंगी आपकी, वो किसी पॉइंट, फोकस पॉइंट जो बोलें उस पर आकर के मिलेंगी। इसको आप, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस भी बोलते हैं, इसी को हम फोकस भी बोलते हैं, और इसको जो हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के तीन नाम है, ये आप लिख लेंगे, प्रिंसिपल फोकस, फोकस और सेकंड फोकस। ठीक है, तो ये दो चीजें जो थी, दो ये रूल्स थे मेन, तो ये हैं। थर्ड वन और बचता है किसका, वो बता देता हूं। जो इसका थर्ड रूल है वो क्या कहता है, मैं यही लिख रहा हूं इसको, इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई पैरेलल लाइट आएगी, ये आ गई, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहीं किसी पॉइंट पर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, इस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर के वो कहीं से रिफ्रैक्ट होगी और इसको जहां कट करेगी, जहां से वो निकलेगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकस पॉइंट। और इस ऑप्टिकल जो सेंटर ओ था हमारा, इतने ही डिस्टेंस के बाद जो होगा हमारा आगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम 2f बोलेंगे। ठीक है, इसका डबल, ये एफ टू जो है हमारा फोकस होता है। अगर हम इस तरफ बात करें, पीछे की तरफ जितना डिस्टेंस ओ से एफ टू के बीच का था, उतना ही डिस्टेंस अगर पीछे की तरफ देखें तो ये हमारा क्या होगा, एफ वन होगा। और इस ओ एफ वन से पीछे अगर हम जाएं, शायद बोर्ड में आपको नजर ना आ रहा हो, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, 2f1 होगा। ठीक है, तो थर्ड जो इसके बारे में था वो ये था। बाकी जो इसके जो रूल्स हैं डिटेल से, जो इमेज फॉर्मेशन है, रूल्स तो बस यही थे मेन, तो दो थे कि जो राइट लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी वो सीधा चली जाएगी अनडाइवर्टेड, दूसरा ये कि जब ये पैरेलल कोई लाइट आएगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी पॉइंट पर मेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, सेकंड फोकस कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में रूल्स थे, इसके कुछ लॉज थे, बेसिक सी इनकी बातें थी लेंस की, स्पेरिकल लेंस की। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, उसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ये लेक्चर शायद आपका छोटा रह जाए, क्योंकि अभी अगर मैं कवर करवाऊंगा वो आपकी इमेज फॉर्मेशन, तो इसमें कवर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
तो उसको देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके उस लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन स्टूडेंट्स के पिछले लेक्चर छूट गए हैं तो वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, उनका लिंक वहाँ मिल जाएगा। और साथ ही नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप कहीं से भी जा करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड टेक केयर।